कैसे हो आप सब। तो आज हम एलिमेंट्री टीचर्स यानी कि टीचर्स की रिक्रूटमेंट लेकर आए हैं जो कि पंजाब से है। तो रिक्रूटमेंट में दो टाइप की जॉब निकाली गई है यहाँ पे, पंजाब गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई है ये जॉब्स। तो पहली भर्ती है एलिमेंट्री टीचर्स की, जिसमें पोस्ट निकाली गई है 1664। वहीं हम बात करें मास्टर कार्डर टीचर्स की, तो उनकी जो पोस्ट निकाली गई है वो है 2102। तो दोस्तों अब मैं हूं संचना और आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि जो भी प्राइमरी टीचर्स या टीचर बनना चाहते हैं उनके सपने को यहाँ पे पूरा करने जा रहा है पंजाब। क्योंकि अभी तक जो है अच्छे से नोटिफिकेशन आ चुका है तो आप अप्लाई भी कर सकते हो और साथ ही ऑल इंडिया बेसिस पे है ये जॉब। तो दोस्तों अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड पंजाब के द्वारा निकाली गई दो बड़ी वैकेंसी की, जो कि एलिमेंट्री टीचर की है और मास्टर कार्डर टीचर्स की है। तो यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा भी ये मतलब समर्थन करके निकाली गई है और साथ ही जो है ये ऑल इंडिया गवर्नमेंट वैकेंसी है जिसे कहीं के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री टीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे जो पोस्ट निकाली गई है एसएससी की, तो यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो है 1664 वैकेंसीज। काफी अच्छी वैकेंसीज निकाली गई हैं प्राइमरी टीचर्स की। और साथ ही जो है पे स्किल की बात करें तो यहाँ पे 10,300 पे स्किल मिल रहा है आपको पर मंथ, जो कि बहुत अच्छी सैलरी पैकेज है। और साथ ही क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन होनी आपकी जरूरी है और साथ में डिप्लोमा होना भी बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं आगे हम क्वालिफिकेशन की। तो साथ ही हम बात करने जा रहे हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे एज लिमिट जो है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 37 इयर्स दे रखी है। और साथ ही जॉब लोकेशन पंजाब रहेगी और लास्ट डेट की बात करें तो 25 मार्च आपकी लास्ट डेट रहेगी इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। तो जो भी प्राइमरी टीचर्स हैं जिन्होंने एनटीटी जेवीटी वगैरह को कोर्स किया है तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, साथ ही अपने जो है करियर को आगे तक ले जाने के लिए। साथ ही जो प्राइवेट स्कूल में टीचर्स हैं उनके पास यहाँ पे एक मौका दिया जा रहा है कि वो अपने आप को प्रूफ करके पंजाब में ही गवर्नमेंट जॉब ले सकें। तो दोस्तों अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए और साथ ही आपकी जो है एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग का आपने कोर्स किया हो और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, साथ ही 2 साल का आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए अगर आपने कोर्स किया है तो, और अगर नहीं किया है तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और साथ ही नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर्स से आपकी जो भी है अप्रूवल होना ही चाहिए, आपके पास चाहे डिप्लोमा हो चाहे आपके पास डिग्री हो। और जो मैं आपको बता रही थी यहाँ पे कि क्या करना चाहिए आपको, तो यहाँ पे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको डेली बेसिस पे स्टडी करनी चाहिए और साथ ही डे टू डे आपको 2 आवर्स का टाइम देना चाहिए अपनी स्टडी के साथ। और अगर आप टीचर हैं ऑलरेडी किसी प्राइवेट स्कूल में तो आपके पास जो है एक मौका है कि आप अपने सारे काम को थोड़ा साइड रख के अपनी जो है गवर्नमेंट वैकेंसी पे फोकस करें और शायद आपके हो भी जाए। तो अब हम एप्लीकेशन फीस एंड डेट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 1000 रुपीज़ जनरल कैटेगरी के हैं जो भी पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। वहीं हम बात करें एलिमेंट्री टीचर्स की यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है 6 मार्च से, लेकिन उसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की वो 25 मार्च है 2020। तो आपके पास अभी थोड़ा ही टाइम बचा है तो आप सोच लीजिए कि आपको पंजाब में जाके थोड़ा सा सेटल होना पड़ेगा और वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जो पंजाब की टीचर्स हैं वो आराम से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो दोस्तों अब दूसरी पोस्ट पे आते हैं हम यहाँ पे। तो जो दूसरी पोस्ट है यहाँ पे वो है मास्टर कार्डर टीचर्स की। तो यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं 2102 और साथ ही जो पे स्किल है यहाँ पर भी सेमी पे स्किल दिया जा रहा है 10,300 पर मंथ। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट शन आपकी और बीएड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। एज लिमिट मिनिमम 18 मैक्सिमम 37 ईयर्स,
इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। जॉब लोकेशन आपकी पंजाब रहेगी और साथ ही अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पहले हम कुछ जानते हैं कि कितनी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। तो सब्जेक्ट वाइज एसएससी की जो पोस्ट निकाली गई हैं वो है हिंदी में 40, सोशल स्टडी में 52, पंजाबी में 60, मैथ्स में 450 और साइंस में 700, वही इंग्लिश में 800 पोस्ट। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी लिस्ट है जिसमें आपके पास एक मौका है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। लेकिन जिन लोगों को पंजाबी आती है, तो अगर उन्होंने किसी स्कूल से पास आउट की है हालांकि वो पंजाबी नहीं है, वो भी इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका जो 12th का सर्टिफिकेट होगा उसको आप लगा सकते हैं कि आपने यहाँ से जो है पंजाबी स्कूल से आपने पास आउट किया है, तो आपका वहाँ पे जो है उसका रोल आ जाएगा, एक इम्पोर्टेंस आ जाएगा। तो चलिए अब जुड़ते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 45 मार्क्स से आपने की हो, मतलब आपकी ग्रेजुएशन में 45 मार्क्स हो, साथ ही आपके पास बीएड का जो है सब्जेक्ट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन अगर आपने बीएड की है तो और भी ग्रेट है। साथ ही एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 37 ईयर्स है, जो कि काउंट की जाएगी 1st January 2020 तक। तो आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी एज जो है 1st जनवरी 2020 तक गिनी जाएगी। तो दोस्तों एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे भी 1000 rupees ही फीस है, और जो कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, और जो भी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू सबमिट कर सकती हो। और लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है 2nd मार्च दे रखी है, और सॉरी जो लास्ट डेट दे रखी है वो 18th मार्च दे रखी है, और जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो 2nd मार्च है। तो ऑब्वियसली स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पे डेट्स में डिफरेंस रखना पड़ेगा कि एलिमेंट्री टीचर की जो लास्ट डेट है वो 25th मार्च है, वहीं मास्टर कार्डर टीचर्स की जो लास्ट डेट है वो 18th मार्च है। तो पंजाब ने यहाँ पे एक अच्छी खासी आपको रैंक पहुँचाई है, लेकिन यहाँ पे एक चीज अच्छी कर दी गई है जो कि एलिमेंट्री टीचर्स में हुई है, वो ये है कि इसको बीएड वाले जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही जो कि एक प्रॉफिट भी दे रहा है बीएड जिन्होंने की हुई है वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी टीचर्स की वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हमारे आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बिकॉज हमारी पूरी टीम का काम ही ये है कि आप तक सही और जेन्युइन पोस्ट पहुंचाना, या मतलब जॉब्स लेकर आना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, या नोटिफिकेशंस पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आप तक सही जानकारी लेकर आए और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपसे कोई अपॉर्चुनिटी जो है मिस ना हो जाए गलती से भी।